हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब बच्चों? देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मैं अकाउंट्स की कुछ वीडियोस बना रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो तीन बुकें आपके पास, 12th क्लास के स्पेशल बच्चों की बात कर रहा हूँ, तीन बुकें आपके पास है। एक में कंपनी अकाउंटिंग है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, साथ में आपका फाइनेंशियल जो आपके स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर आपको काम करना होता है, इसमें रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सब आपको पढ़ना होता है, साथ साथ एनपीओ की अकाउंटिंग भी आपको पढ़नी होती है। डन, आप इतनी बुकों को फटाफट से लास्ट डे में रिवीजन करना काफी ज्यादा दिक्कतों वाला काम हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? देखो, अकाउंट है कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो अकाउंट्स के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर, चाहे वो एनपीओ हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग हो, आपकी कंपनी अकाउंटिंग हो, कोई भी हो, हर चैप्टर को क्या समराइज करेंगे क्विक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? यानी एक जगह मैं सारे कॉन्सेप्ट फटाफट आपको बताऊंगा, जिससे अगर आप देख लो या लास्ट डे में सिर्फ उतना रिवीजन कर लो तो उससे आपको बेनिफिट जरूर होगा, ठीक है ना? यानी इतना सारा जगह जगह से कॉन्सेप्ट ढूंढ ढूंढ करके एक बार पढ़ना, इससे अच्छा है कि एक जगह मैं कॉन्सेप्ट सारे आपको लिखवा देता हूँ। स्टार्टिंग हम करने वाले अकाउंटिंग रेशियो से। देखो, अगर आपको आता है तो भी इस वीडियो को जरूर देखना, और अगली सारी वीडियो एनपीओ के अकाउंटिंग से लेकर सारी वीडियो जो उसके बाद बनाने वाला हूँ उनको भी देखना, ठीक है? तो आपको कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट ही, मतलब कुछ ही गेन, मतलब कुछ ना कुछ तो गेन जरूर होगा। डन। अब देखो, जैसे मान लो अगर कोई रेशियो अगर चैप्टर अगर आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसे देखते हो तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ साथ में क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो, जिसमें हम अकाउंटिंग रेशियोज की बात करने वाला। इसमें हमारे देखो चार तरह के रेशियोज है। कितनी है? चार तरह के रेशियो। एक है लिक्विडिटी रेशियो, फिर है सॉल्वेंसी रेशियो, फिर है एक्टिविटी, जिसको हम टर्न ओवर रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्न ओवर रेशियो भी कहते हैं। और उसके बाद हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहले रेशियो समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका आंसर हमें देना कैसे होता है। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं आपको लिक्विडिटी रेशियो समझा रहा हूँ और पेपर में अगर आपसे लिक्विडिटी रेशियो पूछा है, तो उसका आंसर जो है ना आपको वो किस फॉर्म में देना होता है, जैसे 2:1, 3:1 या 0.5:1। डन। ये इस तरह से इसका आंसर दिया जाता है, इसको परसेंटेज में या टाइम्स में नहीं दिया जाता है। ये आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आंसर लिखते टाइम पे जहां टाइम्स नहीं आना चाहिए वहां टाइम्स लगा देते हैं, जहां परसेंटेज नहीं आना चाहिए वहां परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक है? तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपको रेशियो में ही आपको आंसर लिखना है। उसके बाद दूसरा जो आता है वो सॉल्वेंसी रेशियो है, ठीक है? इसका भी कोशिश करो। देखो इसमें टोटल, देखो इसके अंदर कितने टोटल रेशियो, दो रेशियो इसके अंदर हमें पढ़नी होती है। इसके अंदर हमें कितने रेशियो पढ़नी है, चार रेशियो पढ़नी होती है, ठीक है? अगर हम चार रेशियो पढ़ रहे हैं तो इसमें से जो पहले तीन रेशियो होंगे, अभी मैं जब सिखाऊंगा, तो जो पहले तीन रेशियो होंगे उनका आंसर बिल्कुल सेम आप ऐसे ही दोगे, रेशियो में ही दोगे, ठीक है ना? इनका जो आंसर होगा आप रेशियो में ही दोगे, जो पहले तीन होंगे इसके अंदर बताने वाला हूं आगे जाके। बट इसमें एक चौथा रेशियो है जो कि आपका है आईसीआर, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका आंसर किसमें आता है, जिसका आंसर आता है आपका टाइम्स में। यानी अगर आप इसका आंसर अगर लास्ट में दे रहे हो तो टाइम्स लिखना जरूरी है। जैसे 3 आया तो 3 टाइम्स, 3 रेशियो बननी, 3 टाइम्स आपको लिखना है। ऐसे एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो को भी आंसर किसमें देना होता है, टाइम्स में देना होता है। और प्रॉफिटेबिलिटी वाले जो रेशियोज है उनका आंसर किसमें देना होता है, परसेंटेज में देना होता है, ठीक है? तो फटाफट से समझ लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आए तो परसेंटेज में, टर्नओवर यानी एक्टिविटी बेस्ड रेशियो आते हैं तो टाइम्स में, सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रेशियो आते हैं तो आपको रेशियो में आंसर देना, बस इसका एक पोर्शन, यानी एक ऐसा रेशियो है जो आईसीआर है वो किसमें देना, आपको टाइम्स में देना होता है, ठीक है? तो यहां तक आपको समझ में आता है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को अब। तो बच्चों देखो, आगे सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशियो पढ़ लेते हैं। देखो मैंने क्या करा हुआ है, देखो मैंने एक पेज में देखो समराइज किए हुए सारे फॉर्मूले, ठीक है ना? एक सारे कॉन्सेप्ट एक ही जगह आ चुके हैं, तो आप एक कॉपी बना लो, जिसमें क्या नाम है, आप फटाफट से इनको एक जगह करो। यानी मैं सारे तीनों बुक को कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो सब एक जगह समराइज हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको 15 या 20 मिनट लगेंगे, ठीक है, पूरे तीनों बुक के कॉन्सेप्ट याद करने में, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी सबको समझा चुका हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट लगने, ताकि आप सारे वो तीनों बुक के कॉन्सेप्ट पढ़ लो और एटलीस्ट आप अपडेट रहो कि ये सब आपको याद रखना चाहिए था पेपर के लिए। लिक्विडिटी रेशियो की पहली बात कर लेते हैं, उसके बाद तीन रेशियो बचेंगे हमारे। लिक्विडिटी रेशियो में हमारे सिर्फ दो रेशियो है, एक है करंट रेशियो, एक है लिक्विड रेशियो, जिसका दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। क्या है? एसिड टेस्ट रेशियो। और उसके बाद हमारा है तीसरा है क्विक रेशियो, ठीक है? तो ये तीनों नाम एक ही है, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, क्लियर? करंट रेशियो और दूसरा लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला क्या है आपका? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। और इसका फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स कह लो, या आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, और ये भी कह सकते हो लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये भी कह सकते हो लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। डन। तो आप जो मर्जी लिखो, पहला देखो करंट रेशियो में सी अपॉन में सी एल, यानी करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और उसका क्या है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, जिसको हम लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो है हमें दो फॉर्मूला और याद रखने, क्या
कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अगर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताऊं मैं आपको, तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी अगर मैं घटा देता हूं तो आपको वर्किंग कैपिटल निकलता है। क्या निकलता है? वर्किंग कैपिटल निकलता है। और साथ ही साथ अगर मुझे क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, करंट एसेट्स में से माइनस करूंगा इन्वेंट्रीज। क्या करूंगा? इन्वेंट्रीज को माइनस कर दूंगा, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं। क्लियर है? और साथ ही साथ माइनस करूंगा मैं प्रीपेड एक्सपेंस। अगर प्रीपेड एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप जीरो मान सकते हो प्रीपेड एक्सपेंस को। क्लियर है? ये जो स्टॉक है, आप देखो एट द एंड ऑफ द ईयर आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो ये जो स्टॉक होता है वो आपका एंड वाला होता है, ठीक है, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपका होता है। क्लियर है? तो हमने क्या करा, देखो करंट एसेट्स, करंट रेशियो इज इक्वल टू सी अपॉन में सी एल, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सी ए माइनस सी एल, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला सी ए यानी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। देन उसके साथ साथ अगर आपसे कोई पूछता है करंट रेशियो के अंदर आइडल रेशियो क्या होता है, ठीक है, तो आइडल रेशियो आपका क्या होता है, 2:1। आइडल रेशियो क्या होता है इसका, 2:1। किसका? करंट रेशियो का, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरे रेशियो की ओर। तो आगे बढ़ते हैं, देखो हमने एक रेशियो खत्म कर दिया, अब दूसरी की बात करते हैं। पहले रेशियो में आपको याद रखना, ये जरूर याद रखना कि जो 2:1 है वो आइडल रेशियो होता है करंट रेशियो के अकॉर्डिंग, और अगर वो लिक्विड रेशियो के अकॉर्डिंग कह रहा है तो 1:1 को प्योर रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर रेशियो। बच्चे कहते हैं ये 2:1 और ये प्योर रेशियो, ये 1:1 बताया, ये याद रखना जरूरी है। बच्चे देखो अगर इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन आता है, इम्प्रूव रिड्यूस टाइप का क्वेश्चन आता है, नो चेंज वाला, तो अगर उसने मान लो रेशियो नहीं दिया हुआ और ये बोला हुआ कि वो यहाँ पे प्योर रेशियो की बात कर रहा है, तो पता होगा तभी तो करोगे ना क्वेश्चन को सॉल्व। यानी प्योर रेशियो मतलब क्या है उस केस के अंदर, यानी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर प्योर रेशियो मतलब 1:1 होता है। और अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ किसके अंदर, ये करंट रेशियो के अंदर मैं अगर बात कर रहा हूँ किसकी, आइडल रेशियो, तो 2:1 होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो आता है सॉल्वेंसी रेशियो, और इसके बाद हमारे 2 रेशियो रहते हैं, फटाफट से रिविजन खत्म। सॉल्वेंसी रेशियो की अगर हम बात करें तो 4 है मेरे पास, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मैंने कहा था ये तीनों भी रेशियो में ही निकलेंगे, बट ये वाला जो है ये टाइम्स में निकलेगा, ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका था। अब देखो क्या है, डेट टू इक्विटी, देखो जब भी 2 वर्ड आता है ना तो 2 के पीछे वाला देखो नीचे आया हुआ डिनोमिनेटर में और ऊपर पहले वाला न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डेट अपॉन में इक्विटी, पहला फॉर्मूला क्लियर। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, इसका मतलब टोटल एसेट अपॉन में डेट, ये भी क्लियर। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी का जो प्रोप्राइटरी रेशियो है इसका मतलब क्या होता है, देखो कि जो तुमने एसेट्स में जो पैसा लगाया, ठीक है उसकी बात कर रहा है, तो इसने बोला प्रोप्राइटरी, यानी जो मेन बंदा है, यानी जो हमारा से बोलो कि क्या है मालिक टाइप का है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो प्रोप्राइटरी की अगर मैं बात करूं तो वो रेशियो क्या बोलता है, बोलता है इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। ये आपको याद रखना है स्पेशली, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स, ठीक है, क्योंकि ये तो याद रहता है, डेट अपॉन में इक्विटी, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ याद रखना इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स, डन। और उसके बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट, डन। अभी करते हैं क्लियर उसको भी। देखो अभी ये हमारे पास 3 रेशियो, पहले इनको खत्म करते हैं। यहाँ पे डेट का मतलब क्या है, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यानी लॉन्ग टर्म आपके पास लोन है, ठीक है, इस टाइप की चीजें हैं तो वो अपना डेट का पार्ट बनता है। अगर मान लो लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, यानी बोरोविंग हो गई, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो गया आपका, लॉन्ग टर्म क्या नाम है प्रोविजन हो गया, तो यहाँ पे आएगा। अब मतलब एक बार क्वेश्चन में आया था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर कुछ ना बोले तो वो एसेट्स होता है। क्लियर हो? तो बच्चे क्या होता है एसेट, डेबिट बैलेंस माना जाता है, एसेट्स होता है, और अगर स्पेशली डेबिट लिखा है तो एसेट ही माना जाता है, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, बट वहां स्पेशली क्रेडिट लिखा है तो उसका मतलब वो ये है, ठीक है। लोन अगर लोन के आगे क्रेडिट आपने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस करके, तो ये वाला पोर्शन होता हो, ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लोन टेकन लिखा हुआ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन लिखा है, तो यही आपका पोर्शन है लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन मिला करके डेट बन जाएगा, जिसमें बोरोविंग का मतलब पैसा लेने से होता है। अब आता है इक्विटी, ये जो इक्विटी वर्ड है, इक्विटी लिखा हुआ आ सकता है पेपर में, शेयरहोल्डर फंड आ सकता है लिखा हुआ, या प्रोप्राइटर्स फंड आता है, ये तीनों नाम ही एक है, इक्विटी, शेयरहोल्डर फंड और प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है, ये तीनों नाम एक है। इसका फॉर्मूला है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल की बात करूं तो यहाँ पे दोनों कैपिटल आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, ठीक है। रिजर्व सरप्लस के पास याद रखना आपके पास जो है मान लो जनरल रिजर्व ये सब है, ये सब उसके अंदर आएंगे जितने भी रिजर्व होंगे। बट यहाँ पे एक चीज हमें खास याद रखनी है कि पीएनएल का अगर बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है और
अगर कुछ नहीं कहा तो हम प्रॉफिट ही मानते हैं, स्पेशली क्रेडिट लिखा है तो हमेशा वो हमारा प्रॉफिट होता है, क्रेडिट यानी प्रॉफिट होता है। बट डेबिट लिखा हो तो लॉस होगा, लॉस को माइनस किया जाता है, प्रॉफिट को हमेशा ऐड किया जाता है, ठीक है, अगर रिजर्व रिजर्व स्टार्ट के दिए नीचे तो। हमने क्या पढ़ा, डेट अपॉन में इक्विटी, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, और इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स, ठीक है, ये तीन फॉर्मूला हमने क्लियर किए। डेट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जबकि इक्विटी की बात करता हूँ शोल्डर फंड भी बोलते हैं, सिर्फ प्रोपराइटर फंड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब अगर यहाँ पे कहता है कि डेट इक्विटी रेशियो जो हमारा रेशियो है, इस रेशियो के अंदर प्योर रेशियो क्या होता है बच्चे, क्या होता है प्योर रेशियो या अप्रोप्रिएट रेशियो, कुछ भी पूछ सकता है, प्योर बोल सकता है या अप्रोप्रिएट रेशियो क्या होता है, तो हमेशा इधर में इसका रेशियो क्या है, 2:1 जो होता है, इसमें प्यार क्या माना जाता है, प्योर रेशियो और या फिर अप्रोप्रिएट रेशियो आप बोल सकते हो। बट अगर इसके अंदर बोलेगा प्योर रेशियो क्या होता है, तो प्योर रेशियो 1:1 होता है, किसके अंदर, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट के अंदर जो प्योर रेशियो होता है वो 1:1 होता है। अब हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है, मैंने कहा इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मान लो ये अमाउंट आपको निकालनी है ना, तो ये आपके पास ये ना, होता क्या हम इसमें से ना एक्चुअली माइनस करते हैं इंटरेस्ट को, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमारे पास जो प्रॉफिट होता है उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट को, तो जब इंटरेस्ट हट गया तो बचा क्या, प्रॉफिट बिफोर सिर्फ टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है, और उस टैक्स में भी हम क्या करते, उसमें से भी क्या करते हैं, हम टैक्स माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें ये हमेशा याद रखना है चीज, क्यों याद रखना है, कई बार क्वेश्चन रिवर्स बेस पर आया था, आपको ये दिया होता है, अगर ये दिया है तो समझ लो कल यहां जाना पड़ेगा, तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, पहली चीज, फिर जब आपका ये निकल जाएगा तो इंटरेस्ट भी वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तब जाके ये निकलेगा, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर सीधा सीधा क्वेश्चन में गिवन है तो उसको इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, क्लियर है। नहीं गिवन है तो आपको ये गिवन हो सकता है या फिर ये गिवन हो सकता है, अगर आपको ये गिवन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट ही वहां जाके ऐड हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला क्या बन रहा है, PBIT माइनस आई इज इक्वल टू क्या बन रहा है, PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब ये आई वहां जाके इसके साथ प्लस हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा, PBIT। बट मान लो ये नहीं दिया आपको, ये गिवन है तो पहले इतने पोर्शन को सॉल्व करना, आप इसका क्या बन रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT माइनस टैक्स इज इक्वल टू क्या निकल गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, अब ये टैक्स वहां जाके प्लस हो जाएगा तो आपका पहले क्या निकलेगा, PBT, क्या निकलेगा, PBT, और उसके बाद फिर दोबारा ये फॉर्मूला लगा दोगे तो PBIT आ जाएगा। अब यहाँ पे टैक्स जो है आपको हो सकता है परसेंटेज की फॉर्म में दिया हो या डायरेक्ट अमाउंट हो, अगर अमाउंट हो तो फिर तो समझ में आता है डायरेक्टली यहाँ प्लस हो जाता है, अगर मान लो परसेंटेज है तब क्या करोगे, अगर परसेंटेज गिवन है यहाँ पे, देखो अमाउंट होगा तब तो टैक्स आ जाएगा प्लस हो रहा ना, ये निकल जाएगा उसके बाद ये भी निकल जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पंगा ये है कि अगर टैक्स अगर हम बोल परसेंटेज में दिया तब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो टैक्स होता है ना ये पता किसका परसेंटेज होता है बच्चे, इसी का परसेंटेज होता है, टैक्स उसी का लगेगा ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स जो लगेगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लगेगा, यानी इसका परसेंटेज होता है, और अगर ये इसका परसेंटेज है तो फिर हम क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, माइनस हम बोल रहे हैं टैक्स करना, फिर हमारा सॉरी हाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान लीजिए करके हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, यही तो हमारे पास। अब पंगा ये कि मुझे अमाउंट में होता तो मैं तो यहाँ प्लस कर देता हूँ, बट अमाउंट में नहीं तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे PBT माइनस, अभी टैक्स किसका निकलेगा, मान लो 20% का टैक्स है तो 20/100 इंटू किसका, मैंने कहा इसी का तो निकलता है PBT का ही, तो PBT आ जाएगा इक्वल टू PAT, सपोज करो PAT 1 लाख रुपए आपके पास, ठीक है ना, तो 1 लाख मान लेंगे से भी, तो आप क्या करोगे, PBT ये कट किया कितना गया 0.2 PBT इक्वल टू 1 लाख, और फिर आप यह क्या करोगे यहां से घटाओगे इसे एक पीबीटी में से यदि कुछ नहीं होता तो एक माना जाता है उसमें से घटाओगे तो 0.8 PBT आ जाएगा इक्वल टू 1 लाख, और फिर PBT इक्वल टू क्या आएगा 1 लाख डिवाइड बाय 0.8, हट गया काट लो आंसर आ गया, बात समझ आ गया, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, एक बार PBT निकल जाएगा तो फिर दोबारा वही PBT निकल चुका है, इंटरेस्ट आपको दिया होगा क्वेश्चन में, आपके इंटरेस्ट कहाँ छुपा होता है, जो आपके पास लोन है या आपके पास जो डिबेंचर होता है उसके जो आगे जो रेट लिखा होता है बच्चे, वो इंटरेस्ट रेट होता है, क्या होता है इंटरेस्ट रेट होता है, तो वहां से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो इंटरेस्ट को कवरेज, इंटरेस्ट को कवर कौन कर रहा है, इंटरेस्ट को कवर कौन कर रहा है, तो मैंने कहा देखो यार इंटरेस्ट तो ये ना, इसको देखो ऊपर से कवर कौन कर रहा है, जैसे अम्ब्रेला यानी छाता, इसके लिए कौन है कवर कौन कर रहा है इसको, यही तो कर रहा है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ही इंटरेस्ट को कवर कर रहा है, उसके ऊपर से वही ढक रहा है उसे, तो फॉर्मुला बनता है PBIT अपॉन में इंटरेस्ट, यानी यही फॉर्मुला बन जाता है। तो हमारे ये चार फॉर्मुले जो है यहाँ पे ये भी खत्म होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़े 2 रेशियो, एक तो पढ़ लिया हमने लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर में 2 रेशियो पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा सॉल्वेंसी रेशियो, इसके अंदर में 4 पढ़े। अरे चारों जहां तक है आपको समझ में आ गया होगा,
ये आपको जो मैंने आपको प्योर रेशियो एप्रोप्रिएट रेशियो बताया, 2:1 इन केस ऑफ डेट इक्विटी रेशियो, प्योर रेशियो इन केस किसके, ये आपका टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो जो है, ठीक है। यहाँ पे ये जिसको कहते हैं 2:1, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, प्योर रेशियो आपको 1:1 ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। और करंट रेशियो केस में आइडल रेशियो 2:1 और लिक्विड रेशियो केस में 1:1। तो पहला पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं कि ज्यादा लंबा पार्ट बना के फायदा नहीं होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा ना नींद से आने लग जाती है आप सबको, तो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको करके ब्रेक लीजिए और फिर उसके बाद दूसरे पार्ट पे लिखना स्टार्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।